हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इस टाइम है एलिमैक्स 2 और जो इसके अंदर रोम है वो इस टाइम चल रही है MIUI 8। अगर आप भी अपने मोबाइल में MIUI 8 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इसके अंदर क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं और कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरा नाम है दानिश, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। सो लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम मेरे एलिमैक्स 2 में इंस्टॉल है MIUI 8 और आप सेटिंग्स में चेक भी कर सकते हैं अबाउट फोन्स में जाके और यहाँ पे आपको मिलेगा MIUI वर्जन MIUI 8.7.1.20 और यहाँ पे आपको एंड्रॉयड वर्जन मिलेगा मार्शमेलो 6.0.1 जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये EUI रोम से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि EUI रोम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और उसमें थीम्स भी बहुत कम थी। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको थीम्स इसमें बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं जो आप काफ़ी कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल को। और मेरा जो सबसे अच्छा फीचर है EUI रोम में वो है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट कि बस आप 3 फिंगरों के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें जितने भी MIUI के फंक्शन है वो बिल्कुल सही से काम करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। बस कुछ बग्स हैं जो आपको शायद परेशान भी नहीं करें, लेकिन बग्स तो बग्स होते हैं तो मैं उसके बारे में बात कर लूँगा। लेकिन हम इसके पहले अच्छी बातें पर बात कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसके जियो के सिग्नल इतने अच्छे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, वो कभी जाते ही नहीं हैं। आप जब भी अपना नेट ऑन करेंगे हमेशा आपको जियो के सिग्नल मिलेंगे ही। और यहाँ पे आपके अगर हम वोल्टी सपोर्ट की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा है कि आप इस रोम में जब भी आप किसी को जियो की सिम से कॉल करेंगे तो हमेशा लगेगी पहली ही बारी में, आपको कोई परेशानी ही नहीं आएगी। सबसे अच्छी बात यही है। आप इसके फोन डायलर देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल MIUI 8 की तरह ही है। आप इसकी मैसेजिंग ऐप भी देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप कैमरा ऐप मिल जाएगी, ब्राउजर ऐप मिल जाएगी, म्यूजिक, आप जितनी भी MIUI की चीज़ें सब आपको यहाँ मिलेगी। लेकिन कुछ ऐप ऐसी हैं जो सिर्फ चाइनीज़ में है, जैसे आप ब्राउजर को देख सकते हैं ये आपको चाइनीज़ में ही मिलेगा और अगर आप इस पर गूगल सर्च भी करेंगे तो वो चाइनीज़ में ही होगा, जो मतलब एक समझौता ही है। लेकिन इसमें कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप www.google.com खोलेंगे सही रहेगा, लेकिन अगर आप डिफॉल्ट से सर्च करेंगे तो वो चाइनीज़ में ही गूगल का सर्च होगा, तो इसमें कोई परेशानी तो आनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे आप म्यूजिक प्लेयर देख सकते हैं, वो भी चाइनीज़ में है, काफ़ी चीज़ें इसमें चाइनीज़ में मिलेंगी आपको। यहाँ पे आप ऐप स्टोर भी देख सकते हैं, वो भी पूरा चाइनीज़ में। बस यही 3 ऐप हैं जो चाइनीज़ में, बाकी बिल्कुल सही हैं। जैसे आप गैलरी ऐप देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। और आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आपको थीम ऑप्शन तो मिल ही जाता है, वेदर मिल जाता है, और जो आपको ये फाइल एक्सप्लोरर मिलता है ये वही है जो आपको MIUI 8 में मिलता है। और यहाँ पे आप कैमरा ऐप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 कैमरा ऐप मिल जाती हैं, एक आपको मिलती है MIUI 8 की और आपको एक मिलती है EUI की। जो आपको MIUI 8 की कैमरा ऐप मिलती है वो काफ़ी बगी है, काफ़ी परेशान करती है, कई बार फोटो क्लिक करती है, कई बार हैंग हो जाती है। और अगर आप इसको HDR मोड इसका ऑन करेंगे वीडियो में जाके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक काफ़ी थिक लाइन आ जाती है पिंक कलर की, जो काफ़ी अनॉइंग करती है। लेकिन अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और अगर आप उस वीडियो को प्ले करेंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे सिर्फ इसी में प्रॉब्लम आती है दिखने में, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन ये कई बार क्रैश हो जाती है, तो मुझे तो ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप ही यूज़ करता हूँ जो EUI में मिल जाती है। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको अपने कैमरे की क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और वही रिजल्ट मिलता है जो आपको EUI रोम में मिलता था, तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने विजेट यूज़ करा है वो MIUI ट्रांसपेरेंट है, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। जो हमारा ओरिजिनल विजेट है, जो डिफ़ॉल्ट विजेट है, वो काफ़ी छोटा है और कई बार वो ऊपर से कट भी जाता है। इस वक्त तो नहीं है लेकिन कई बार ऊपर से कट हो जाता है, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप ये इंस्टॉल कर लें क्योंकि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ से तो आप थीम कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो जिसे बोलें यहाँ पे कोई इतनी बड़ा बग नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। बस जैसे बोलें हम यहाँ पे आपको स्टेटस बार मिलती है तो यहाँ पे आपको जो क्लॉक मिलेगा वो थोड़ा ग्रीनिश टाइप का होगा, जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, जो मेरा बार बार ध्यान इस पर ही लाता है, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। लेकिन वो आपकी मर्जी है, तो मैं भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसमें वोल्टी के सिग्नल बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। और यहाँ पे आपको एक और बग मिलेगा, वो है ब्लूटूथ। जैसे ही आप ब्लूटूथ को ऑन करेंगे, अभी ये ऑन हो गया है, ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी क्रैश हो जाता है जैसे कैमरा ऐप होती है, ये कभी खुलता ही नहीं है। मैं कई बार इसको अपनी स्मार्ट वॉच से कनेक्ट करता हूँ, कभी कनेक्ट होता है, कभी कनेक्ट नहीं होता, कभी कनेक्शन टूट जाता है, तो बहुत परेशान करता है ये ब्लूटूथ इसका। लेकिन आजकल के टाइम में कोई इतना ब्लूटूथ यूज़ नहीं करता है, तो शायद आपको इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाकी सब कुछ तो आपको सब मिल जाएगा, मतलब जो जो आपको MIUI में मिलेगा वो सब इसमें मिलेगा। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पे देख सकते हैं,
यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, कंबाइन और सेपरेट। सेपरेट करेंगे तो आप देख सकते हैं, एक सेकंड सेपरेट हो गई है और यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएंगे, मैनेज नोटिफिकेशन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सारे टॉगल्स मिल जाते हैं, लेकिन मुझे कंबाइन ही अच्छा लगता है। यहाँ पे आप कनेक्शन स्पीड को छुपा सकते हैं और दिखा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वैसे तो मैं ऑन ही रखता हूँ। यहाँ पे आप जो सिम का नेम है वो आप दिखा सकते हैं, वो भी आप छुपा सकते हैं, वो मर्जी है। यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है, ग्राफिकल परसेंटेज, टॉप बार परसेंटेज, ये ठीक है ये। और यहाँ पे आपको सारे वो फंक्शन मिल जाते हैं जो आपको MIUI 8 में मिलते हैं। यहाँ पे आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल, रीडिंग मोड, कलर एंड कंट्रास्ट आप देख सकते हैं। मेरे लिए ये काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि यह आपके मोबाइल में काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं इसको स्टैंडर्ड पे करूँ या फिर कूल पे करूँ या वार्म पे करूँ, सब में एक ही कलर आ रहे हैं। पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है इसमें, शायद ये भी एक बग हो सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा MI टूल्स, यहाँ पे आपको ऑप्शन काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा वीडियो डिस्प्ले इन्हेंसमेंट, जो कि मैं कहूँ कि आप ज़रूर ऑन करें, क्योंकि कलर सेचुरेशन काफ़ी आपकी अच्छी हो जाती है। और जैसे ही आप इस रोम को इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक रेजोल्यूशन मिलेंगे HD, Full HD और 2K। और जब आप इस रोम को पहली बार इंस्टॉल करेंगे तो ये Full HD पे ही सिलेक्ट होगी, तो आप इसको 2K पे सिलेक्ट कर देना। और यहाँ पे आप स्क्रीन DPI देख सकते हैं, मुझे नहीं पता जब मैंने इसको इंस्टॉल करा था तो इसकी DPI क्या थी, लेकिन मैंने इसकी बाद में 645 करी थी, क्योंकि इसके आइकन पहले बहुत छोटे थे, लेकिन अगर 645 करेंगे तो आपके आइकन बिल्कुल ही सही दिखेंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप इसकी DPI 645 करें। यहाँ पे आप साउंड का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कैमरा साउंड, स्क्रीनशॉट साउंड, प्लगइन साउंड, वाइब्रेशन स्टैंड मिल सकती है कि आप कितना वाइब्रेट करवाना चाहते हैं अपने मोबाइल को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डॉल्बी इफेक्ट, जो आपको EUI में भी मिलता था और यहाँ पे भी मिलता है, मतलब आपको इसमें साउंड में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ता है। और यहाँ पे आपको CDLA हैंडसेट के लिए भी अलग से मिलता है। और यहाँ पे आप सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको लेफ्ट हैंड मोड मिल जाएगा, इंस्टॉल एप्स इन बैकग्राउंड मिल जाएगा, अलाइन वेकअप मिल जाएगा, वर्चुअल बटन कंट्रोल मिल जाएगा, लेकिन इनमें से मेरा कोई काम का नहीं है तो मैंने ऑन नहीं कर रखा है। और यहाँ पे आप अदर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक टच असिस्टेंट भी मिलेगा, तो आप इसको अगर ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक बॉल आ जाएगी और आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे टॉगल आ जाएंगे और आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कोई यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे काफ़ी अनॉइंग लगता है। तो दोस्तों इसमें यही है अच्छी बात है और बुरी बात है। और एक और अच्छी बात मेरी बतानी रह गई है कि आपको इसमें GSB इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे आपको इसमें प्ले स्टोर पहले से इंस्टॉल मिलेगा और कई सारी गूगल की एप्लीकेशन भी पहले से इंस्टॉल मिलेंगी। मतलब ये बिल्कुल कंप्लीट रोम है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको कुछ ऐप में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कैमरा हो गया या ब्लूटूथ हो गया। ब्लूटूथ वैसे आजकल तो काम कर रहा है काफ़ी टाइम बाद, अब तो क्रैश नहीं हो रहा है एक दो दिन से, लेकिन शुरुआत में बहुत क्रैश हो रहा था। मैंने इसको दोबारा इंस्टॉल करा है रोम को, तब से ब्लूटूथ बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो दोस्तों आप भी अगर ब्लूटूथ अगर आपका काम नहीं करे तो आप दोबारा इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करना, तो शायद आपका भी ब्लूटूथ सही काम करें, क्योंकि मेरा दो दिन से बिल्कुल सही काम कर रहा है ब्लूटूथ। तो बस दोस्तों यही अच्छी बातें और बुरी बातें हैं, तो बुरी बातें तो बहुत कम हैं, तो आप इसको इग्नोर ही कर दीजिए। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाइए TWRP रिकवरी में, तो पहले इसको टर्न ऑफ कीजिए। और अब पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को दोनों को साथ में दबाइए और ये रिकवरी में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप सबसे पहले जाइए बैकअप में, और मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले आप बैकअप ज़रूर ले लें, क्योंकि आगे जाके कोई भी परेशानी होगी, कम से कम आपके पास अपना बैकअप तो होगा, तो आप सबसे पहले बैकअप ज़रूर ले लें हर एक चीज़ का। एंड ये बैकअप आप कर लीजिए सबसे पहले, और अब बैक जाइए और यहाँ पे आप वाइप डाटा पे जाइए और स्वाइप टू फैक्ट्री रिसेट पे कन्फर्म कर दीजिए और ये डन हो चुका है। तो बैक जाइए और अब आप इंस्टॉल पे जाइए, और आपने MIUI 8 रोम तो मूव कर ली होगी, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश कर दीजिए। तो दोस्तों रोम इंस्टॉल हो चुकी है, तो हम अब इसको रिबूट कर लेते हैं। तो आप रिबूट में जाइए और सिस्टम पे क्लिक कर दीजिए और ये आ गया है लोगो LEECO का। और दोस्तों ये जो लोगो है वो काफ़ी देर रहने वाला है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं कि MIE का लोगो आ चुका है, तो ये भी काफ़ी देर रहेगा क्योंकि काफ़ी देर में लोड होगा, लमसम ये 5 से 7 मिनट ले सकता है, तो इसमें भी आप थोड़ा पेशेंस रखिए। तो दोस्तों MIUI 8 बूट हो चुकी है, तो यहाँ पे आप एरो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप इंग्लिश को ही सिलेक्ट कीजिए, इंडिया को, और यहाँ पे अपना आप वाईफाई सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं स्किप कर देता हूँ,
यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे भी नेक्स्ट करिए। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, प्रीफर वॉइस सिम कार्ड और प्रीफर डाटा सिम कार्ड। जो डाटा होगा वो पहले सिम को डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन जो प्रीफर्ड वॉइस सिम कार्ड होगा वो नॉट सेट होगा। और मैं आपको यही बोलूँगा कि वो आप सिम 1 जियो 4G पे ही करें, क्योंकि जिस पे भी आप सेलेक्ट करेंगे उसी पे कॉल जाएगा। क्योंकि इसके डायलर में भी एक प्रॉब्लम है कि आप किसी से भी कॉल करिए सिम 2 पे ही जाता है, लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट सिम सेलेक्ट करेंगे तो उसी से ही कॉल जाएगा। लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट सिम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हमेशा ये सेकेंड सिम से ही कॉल करेगी। तो हम इसको भी नेक्स्ट कर लेते हैं। आप सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको MIUI अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो हम इसको स्किप कर लेते हैं। ओके, इंटरनेट कॉलिंग इसको भी आप इनेबल कर दें, और यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी ऐड नहीं करना। और इसका फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छा काम करता है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसका फिंगरप्रिंट ज़रूर ऐड कर लें। तो यहाँ पे भी आप इसको स्किप कर दें, यहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाएगी, इसको भी नेक्स्ट करिए और एग्री यस और सेटअप कंप्लीट और नेक्स्ट कर दीजिए जस्ट अ सेकेंड। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और आप देख सकते हैं कि जो आइकन है वो काफ़ी, एक मिनट में ब्राइटनेस थोड़ी हल्की कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आइकन है वो आपको काफ़ी छोटे मिलेंगे, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसको ज़रूर DPI इसका बढ़ा दें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो आपका वो क्लॉक जो है ऊपर से कट चुका है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप प्ले स्टोर से कोई और क्लॉक डाउनलोड करके यहाँ पे लगा लें, क्योंकि इसका क्लॉक थोड़ा सा खराब है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों अगर आपको MIUI 8 रूम पसंद आई होगी तो आप ज़रूर से लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, और आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये मोटिवेट करता है मुझे नई वीडियोज़ बनाने के लिए, और मैं आपके लिए आगे भी Elemax 2 के लिए कई वीडियोज़ लाने वाला हूँ। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।